गुड आफ्टरनून। थोड़ी देर वेट करो, अभी स्टार्ट करते हेलो क्लास, आवाज आ गई मेरी? हाँ आवाज आ रही है मेरी? प्रियंका ज्योति, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा ज्योति, क्या कितना काम हो गया आपका कैंपेनिंग का? कहाँ पर कर रहे थे तुम? हाँ भी ज्योति, लोगो बनाने थे तुम? ज्योति कौन? ज्योति राजपूत बोल रहे? कौन कैमरा ऑन करोगे? तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुम तो अभी आज पहली क्लास में आई हो शायद? तो फोर्थ सेमेस्टर का काम चल रहा है, हमें वो कंप्लीट करना है, तो उसके लिए क्या करनी है जरूरी? अच्छा, बाकी प्रियंका तुम्हारा डिसीजन कितना हो गया? कैमरा ऑन करो फिर। हाँ कह रहा हूँ, उस पर आगे प्रोग्रेस हुई कुछ काम पे? अच्छा चैप्टर्स को हिस्ट्री कुछ अरेंज करी, उसकी हिस्ट्री लिखी कुछ, उस पर कंटेंट अरेंज करा आगे? अच्छा अच्छा और बाकी बाकी कैंपेनिंग में क्या चल रहा है तुम्हारा? किस टॉपिक हो गया था फाइनल? हाँ टॉपिक बता दो एक बार। हाँ बीटा बाइट, हाँ याद आ गया। और ग्रीन लीफ पे तो कुछ बात नहीं हुई थी? ग्रीन लीफ पे कुछ बात तो करी नहीं तुमने? बीटा बाइट तो मुझे याद है। एक मिनट,
तुमने भेजा तो था मुझे, लेकिन मेरे को उसमें कुछ समझ में नहीं आया था तुमने क्या भेजा है, क्योंकि इस पर कोई बात डिस्कशन तो हुआ नहीं था। ये ग्रो ग्रीन ये था ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट। देखो क्लासेस तुम्हारी सब चल रही है, लेकिन जब ऑफिशियली कॉलेज ऑफ है तभी क्लासेस नहीं हुई है, ठीक है? जब बीच में क्लासेस नहीं हो रही थी तब कॉल जब बीच में जब क्लासेस नहीं हो रही थी, देखो क्योंकि अभी कई चीजें हैं कि फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया गया, बट थर्ड सेमेस्टर का थोड़ा क्लैरिटी नहीं है कि कब सबमिशन होना है क्या होना है, तो ऑफिशियली कुछ हमें पता चलेगा तभी हम आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, लेकिन एटलीस्ट आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो देखो तुम्हारा एक तो डेजर्टेशन तुम्हें करनी करनी है, ठीक है? तुम्हारी जो कैंपेनिंग तुम्हें जमा करनी है वो तुम्हारी जानी जानी है। तो वीटा वाइट को भी अगर रहेगा, अगर देखो बाई चांस अब थर्ड सेमेस्टर का मांग लिया कहीं काम की, थर्ड सेमेस्टर का जमा करो, तो आपको उसमें भी काम जमा करना पड़ेगा, इधर फोर्थ सेमेस्टर का अलग से आपको करना पड़ेगा। समझ रही हो प्रियंका? थर्ड का तो तुम्हारा हो गया, हाँ, तो फाइनल में तो तुम्हारा बीटा बाइट चल जाएगा, बट ये ग्रो वाला जो तुमने बनाया है ना, आई डिडेंट लाइक दिस, वो नहीं समझ आ रहा है कैसे किया है तुमने, क्या किया उसमें। एक बार मैं डिजाइन खोलता हूँ, हाँ, ठीक है ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, बट ये बीटा, ये तुमने बीटा बाइट पे तो काफ़ी डिस्कशन किया है, हमने बात करी है, डिस्कस किया है, उस पर तुमने कॉन्सेप्ट भी बनाया है, दिख स्क्रीन पे दिख रहा है जो तुमने भेजा है मुझे। हेलो, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, हाँ एक मिनट रुको। ज्योति अभी तुमसे डिस्कस करता हूँ, जरा एक बार प्रियंका से बात कर लूँ फिर अभी आता हूँ। ये दिख रहा है आप, दिखा? प्रियंका ये काम नहीं कर रहा है, हाँ, तो तुमको इसको ना या तो इम्प्रूव करना पड़ेगा या तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जैसे अगर इसका पोस्टर भी देखें तो पोस्टर देखो इसका लोगो अलग जा रहा है, ठीक है? इतने सारे कलर यूज़ करे गए हैं यहाँ पर, अगर हम देखें ये वाले जो इसमें देखें कितने सारे कलर यूज़ करे गए हैं। डू यू वॉन्ट टू चूज द राइट प्लैनेट टू लिव इन, डू राइट, तीन चार कलर यूज़ करे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? तो ये तो पोस्टर्स हमारे चलेंगे नहीं है, तुम्हें इनको या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या तो रीअरेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो प्रियंका इस कैंपेन पे काम करो, और ग्रो जो ये ग्रो ग्रीन फॉर बेटर क्या कॉन्सेप्ट है, जरा मुझे कुछ इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है क्या एग्जैक्टली, जरा समझाओ तो। हाँ हाँ इनको अब इन पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, क्लैरिटी कहीं नहीं हो रही है। जैसे अगर किसी भी डिज़ाइन को फोकस कर रहे हैं तो ग्रो तो अब इसमें तुम्हारे पोस्टर कौन कौन से हैं? ये एक दो तीन, ये दो पोस्टर हैं ये, और इधर ये तुम्हारे, ये दो पोस्टर हैं। अब तुम्हें अगर इसी को करना है ना, तो प्रियंका तो जैसे इसको अगर करना है, इसी पे काम करना है अगर, ठीक है? तुम्हें तो मैं तरीका बता रहा हूँ। एक तो ग्रो का लोगो वहाँ बिल्कुल अजीब लग रहा है, ठीक है? वहाँ बड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है? उसको वहाँ से हटाओ पूरा। अगर तुम्हारा फाइल है इसकी,
हाँ तो ग्रो का लोगो वहां से चेंज होगा, वो पूरा वहां से कॉन्सेप्ट हटेगा, वो डार्क रिच ग्रीन अच्छा लग रहा है बट वो हटेगा। अब जो हेडिंग लिखी हुई है, डू यू वॉन्ट टू चूज द राइट प्लैनेट टू लिव इन, डू यू वॉन्ट टू चूज द राइट प्लैनेट टू लिव इन, डू द राइट थिंग्स, वॉट द लेफ्ट ऑन, वॉट इज लेफ्ट ऑन। अब देखो एक काम कर लो, जो पहली लाइन है उसको तुम हेडिंग ले सकती हो, डू यू वॉन्ट टू चूज द राइट प्लैनेट टू लिव। अब ये पूरी हेडिंग को थोड़ा बड़ा करके तुमने ऊपर मेन हेडिंग बना ली, ठीक है, डू द राइट थिंग्स विद द लेफ्ट ऑन योर प्लैनेट। तो ये बड़ी अच्छी लाइन लग रही, दूसरी वाली भी इस लाइन को नीचे लेके आ जाओ, सब हेडिंग, सब हेडिंग में अरेंज कर लो, ठीक है। तो और बीच नीचे जो स्टोरी लिखी है, इमेज लिखी है, वो सब कुछ रिप्लेस कर दो, वो कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार कॉम्पोजिशन मुझे बना के दिखाओ कि जो तुम करोगी अपने इसमें चेंजेस, वो मुझे जो मैं बता रहा हूँ कि ग्रो को नीचे लाओ, ठीक है, हेडिंग को वहाँ लिखो, सब हेडिंग की जगह जो नीचे लाइन है उसको सब हेडिंग में यूज करो, एक विजुअल यूज करो दो की जगह। अब उनमें से पहला सही लग रहा है कि दूसरा सही लग रहा है जो तुम्हारी स्टोरी बता पाए। नीचे का सारा कंटेंट रिप्लेस करो, वहाँ कुछ नहीं चाहिए मुझे, सेव ट्री बिफोर इट टू लेट, ये सही लग रहा है, सेव ट्री। अगर ज़्यादा ज़्यादा तुम्हें डालना है तो ये वाली लाइन डाल लो, सेव ट्री बिफोर इट टू लेट, ठीक है। बाकी वो टेम्परेचर वेम्परेचर सब हटा दो, उसके नीचे वाला भी सब हटा दो जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, समझी प्रियंका? हाँ तो इसका एक पोस्टर मुझे अभी कंपोज, अभी जो करेक्शन मैंने बताया पेपर पे, मुझे एक पोस्टर अभी कंपोज करके दिखाओ जरा कि क्या मैंने जो बताया है उनको पेपर में नोट करो, और मुझे कंपोजिशन बना के अभी क्लास में दिखाओ इसकी, ठीक है। अभी अपना स्केचबुक निकालो और उसमें एक पोस्टर बनाओ, जो पहला पोस्टर बताया उसकी कंपोजिशन बताओ, मैं यहीं पे एडिट करा दूंगा तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर जो फाइनल होगा उसी को बस तुम्हें डिजिटल करके फाइनल कर देना है, तो तुम्हारा वो काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ तो इसको करोगे जरा अभी क्लास में काम करो, बाकी मैं ज्योति से बात करता हूँ। हाँ ज्योति अब तुम बताओ, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन हो सकता है, कर लो कौन, हाँ बताओ क्या कह रही हो। हाँ विक्स पे, तो विक्स पे क्या उसका नाम क्या रखा था तुमने, क्या रखा था, बयान रखा था, बयान, और कुछ, बस यही नाम फाइनल करा था कि हमने अभी शायद नाम फाइनल करा था कि नहीं करा था, तुम्हें याद है, कर लिया था बयान फाइनल, बयान और विक्स, इसमें क्या करना चाह रही हो तुम ज्योति, इस वाले कॉन्सेप्ट में तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारे अंदर क्या, तुम क्या दिखाना चाहती हो, मैं उसके हिसाब से फिर तुम्हें बताता हूँ। मुझे भी याद नहीं, काफी टाइम हो गया, बहुत पहले डिस्कशन हुआ था, तो थोड़ा मुझे रिमाइंड कराओ कि हमने क्या डिस्कस करा था, तो उसी अकॉर्डिंग में तुम्हें आगे बता पाऊंगा। समझी ज्योति, कह रहे क्या क्या डिस्कशन हुआ था तुम्हें याद है ज्योति इस पे? हाँ देखो तुम्हारी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद है क्या तुम्हारा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, अंदर ही बात हेलो,
ज्योति तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है आवाज? हाँ, मैं कह रहा था कि जो विक्स वाले कॉन्सर्ट पे किया था ना हमने, विक्स वाले कॉन्सर्ट पे, तो उसमें तो कहने का मतलब है जो तो व्यान नाम फाइनल किया था, तो उस व्यान नाम का ना कुछ लोगो डिजाइन कर लो कि व्यान कैसे लिखोगी, थोड़ा सा कुछ लोगो रेफरेंस के लिए देखो कि हाँ इस टाइप के लोगो कैसे बनाते हैं, तो एक क्लास में लोगो बना लो, उसके बाद हम कल से फिर उसकी प्रॉपर क्लास में ही आगे काम करते हैं, ठीक है? तो एक लोगो डिज़ाइन पे काम कर लो। हाँ, बाकी मैं कुछ रेफरेंसेस भी तुम्हें, हाँ कैंपेनिंग करो इस बार, क्योंकि फाइनल ईयर में हो तो तुम्हारे कैंपेनिंग पे बहुत ज़्यादा मार्क्स डिपेंड है, तुम्हारा 100 नंबर का मार्क कैंपेनिंग है और फिर तुम्हारा डेजर्ट। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और डेजर्टेशन का क्या हुआ, तुम्हारा टॉपिक वॉपिक फाइनल करा तुमने? क्या नाम क्या है टॉपिक का, एक बार याद दिला दो, क्या लिखा है नाम, क्या टॉपिक है? हाँ तो ठीक है, फिर तो राजकुमार सर उसको देख रहे होंगे, तो सर से एक बार टच टच में लेना, ठीक है? अच्छा, ठीक है। तुम जो व्यान का नाम का जो फाइनल हुआ उसके लोगों पर कुछ लोगों पर डिजाइन करके क्लास में दिखाओ, और फिर हम उस पर बात करते हैं, ठीक है? तो अभी बनाओ क्लास में। हाँ नहीं, अब देखो ऑनलाइन हो रहा है, फिर देखो शायद कॉलेज खुलने का भी सिस्टम देखो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हो, तो कैंपेनिंग तो देखो अच्छे से करनी है, 100 नंबर है तुम्हारा, उसी पे सारा रिजल्ट बेस्ड है, तो उसको थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है? बाकी लोगो बनाओ क्लास में बयान वाले का, फिर मुझे दिखाओ, फिर हम आगे करते हैं उस पर काम, ठीक है? ठीक है, बनाओ अभी क्लास, नहीं नहीं आज ही क्लास में ही करो, अभी क्लास में ही करो, ठीक है? अच्छा, तो तुमने पहले वाला याद है, पहले क्या क्या करा था हमने, हमने कुछ पहले बनाया था तुमने पहले का कुछ काम, एक बार व्हाट्सएप पे चेक करता हूँ कुछ भेजा। देखो जरा चेक करो पेपर वेपर में कुछ किया हो तो। नहीं है कुछ, तुमने हमें तो कुछ भेजा नहीं है। हाँ देखो जरा, नेचर को लेके दिखाओ, कॉपी कॉपी पे दिखाओ। थ्योरी क्लास, ये तुम्हारी थ्योरी प्रैक्टिकल क्लास रहेगी ना ज्योति, तो क्लास में जो भी काम करना है, जब भी क्लास का टाइम रहेगा तो अपने पेंसिल स्केचबुक ये सब लगा के रखो, जो रहेगा थोड़ा थोड़ा काम करके क्लास में ही करोगे, तो आगे चीज़ें आपके अपडेट होंगी जब तक कॉलेज आपका नहीं खुल रहा है। ये तो नहीं अच्छा लग रहा है,
ज़्यादा काम नहीं करो, एक 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 या दो ऑप्शन अभी क्लास में बना लो बैठ के, ठीक है? मतलब बंद कर लो, अभी बना लो, अभी क्लास में ही मैं शांति से बना लो, मुझे दिखा दो एटलीस्ट यहाँ पे, फिर मैं कुछ उसमें मुझे आइडिया लगेगा नहीं तुम्हें बताना क्या है, जब तुम अपनी तरफ से थोड़ा सा कुछ करोगे, ठीक है? तो करो क्लास में ही करो, अपना ये मीटिंग चलने दो, काटना नहीं, ठीक है? करो इस क्लास में। कर रही हो काम ज्योति? कह रहा ड्रॉ कर रही हो ज्योति? हेलो, हाँ ज्योति, हाँ आ रही हो, हेडफोन निकाल दिया था मैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट है। मैं कह रहा हूँ हाँ बना रही हो ना उसको? हाँ ठीक है ठीक है, बनाओ, फिर वेट बनाओ आराम से, फिर वेट कर लो, ठीक है? 10 10 मिनट में दिखाओ बना, ठीक है? ओके।
कुछ आया आइडिया उसको लोगों को लेके? हाँ अच्छा, पेपर दिखाओ जरा कैमरा करके, कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो? बैक कैमरा नहीं काम कर रहा है? अच्छा चलो ठीक है, फिर ड्रॉ कर लो, फिर फोटो भेज दो मुझे, फोटो से दिखा देना ठीक है, कर लो कंप्लीट कर लो पूरा फिर भेजना ठीक है। भेजा कुछ जो थी तुमने? अच्छा हाँ देख रहा हूँ मैं, क्या चीज़? हाँ वही है, ये बात हुई थी पहले, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ इसीलिए जो विजुलाइजेशन वाला काम है ना, एक कॉपी में एक जगह कर दी चलो, ताकि बीच में फिर याद रहेगा। इसमें जो तुम्हारा थोड़ा फ्री हैंड लिखा है, थोड़ा स्केल ही सब यूज़ करोगी तब जाके लगे। ये तुम्हारा क्या था, एनर्जी ड्रिंक थी क्या था, मैं भूल गया, ये किस चीज़ से था रिलेटेड, तुम्हारा क्या बताया था तुमने?
वेक्स वेक्स हाँ व्यांग व्यांग तो हाँ जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ है, तो वो कैसे रिलेट होगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट? मतलब मैं ये कह रहा हूँ तुम स्टोरी थोड़ा सा बताओ, करना क्या चाहते हो, उसको क्या करना चाहते हो, मैं उसके हिसाब से गाइड करूँगा कि तुम इसके। अच्छा याद आए, हाँ ठीक है, तो याद आ गया, तो वही होता है ना कि इतना गैप हो गया बीच में इतने दिन का, तो उससे मेरे भी दिमाग से। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा उसको याद करने की कोशिश करो। और ये व्यांग जो लिखा है अभी, जो तुम कॉन्सेप्ट बता रही थी ना, उसको भी वहीं पे नोट कर लो, जो मैंने अभी तुम डिस्कस कर रहे थे ना कि तुम अलग अलग जो होम रेमेडीज होती हैं, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, मतलब उनको दिखाना चाह के ब्रांडिंग करना चाहती हो कि लॉन्ग के। हाँ तो वो चीज़ नोट कर लो। और लोगों अभी जो काम नहीं कर रहा है, मतलब करना पड़ेगा इस पर काम थोड़ा सा, ठीक है? अभी तो ये ओके 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 भी नहीं लग रहा है, तो बहुत बेसिक्स है। नहीं ठीक है, फिर तो इसको इसको करो थोड़ा सा अपना, पहले तो तुम्हारा हेल्थ ही गड़बड़ रहता है मैक्सिमम टाइम, तो वो बहुत बड़ी समस्या है कि थोड़ा अपना है स्वास्थ्य ठीक रखो, ठीक है? क्योंकि हेल्थ की वजह से मैं भी ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ही मैक्सिमम थोड़ा सा डाउन रहती है, ठीक है? तो उसको थोड़ा अपने लेवल पर ठीक करो। और क्योंकि देखो काम तो कैंपेनिंग में करना है, गाइड करने की दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे क्या। ठीक है, जो करो फिर कल इसको फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। आवाज आ रही है? बाकी हाँ हेलो, आवाज आ रही है आप देखो?
हाँ तो कुछ कुछ रिपोर्ट डाउनलोड करो और कुछ इकट्ठा करो, इसके बाद क्या रहेगा तो तुम्हें थोड़ी इस पर ये क्लैरिटी आएगी। ये चीज़ करो, थोड़ा चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा और रेस्ट तुम्हारा जो ड्राइंग वाला पार्ट है, पिछली बार भी पिछले सेमेस्टर में भी तुम्हारा जो काम बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आया, कुछ क्या प्रॉब्लम होगी मुझे नहीं पता, बट हाँ तो कोशिश करो फोर्थ सेमेस्टर में अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म करने का। फोर्थ की एग्ज़ाम अभी डेट तो देखो अभी कोई एग्जैक्ट आई नहीं है, बट मान के चलो सितंबर तक, मान के चलो सितंबर अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर में। लेकिन हाँ एक बार इधर से कुछ आती है नोटिस तो और डेट का जो थी, अभी जब तक ऑफिस से कोई नोटिस नहीं आती मैं नहीं कह सकता कि कब तुम्हारी एग्ज़ाम को, हाँ तो कब तुम्हारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। लेकिन यही, हाँ लेकिन यही है कि देखो तुम्हारा तो देखो फाइनल सेमेस्टर है देखा जाए तो, मेन तो यहाँ पर तुमको छूट कुछ नहीं मिलेगी, फाइनल सेमेस्टर को सबमिशन होना ही होना है, उनका काम जमा होगा ही होगा क्योंकि रिजल्ट, हाँ फाइनल का चीज़ें होनी है क्योंकि तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपको थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आपके पेपर होने होने हैं। तो इसलिए अपनी एक आध कैंपेनिंग रहे, कम से कम तुम्हारे 100 नंबर का कैंपेनिंग है तो 80 नंबर तक, उसमें 70 नंबर तक तुम्हारे आ सकें, ठीक है। तो एक तो क्वालिटी भी चीज़ है, क्वालिटी के साथ साथ कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अटेम्प्ट नहीं करते, जैसे पिछली बार क्या हुआ था आपका जब ये रिपोर्ट थी तो कई बच्चों ने रिपोर्ट दी नहीं, तो एटलीस्ट जो बन रहा है जैसा बन रहा है बना के दो, तो फिर क्वालिटी तो देखो। हाँ हेलो, हेलो, हाँ अभी आ रही है। हाँ मैं कह रहा था कि कई बार क्या होता है गड़बड़, आप लोग क्या कर देते हो ना कि आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, कि अगर मान के चलो तुम्हारे 2 या 3 टॉपिक्स हैं, अगर दोनों पे हेलो आवाज आ रही है, कहने का मतलब ये है कि गड़बड़ कई बार क्या कर देते हैं कि आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते, अगर आपके में मेंशन है कि 25 नंबर की इंटरनली आपकी जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जानी है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप प्रोजेक्ट एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो, आप क्या करते पूरा छोड़ देते हो कि नहीं बन रही चलो छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाई आपके नंबर बहुत ज़्यादा स्क्वायर में कम हो, मान के चलो 25 नंबर का इंटरनल अगर आया तो भाई आपने उसमें अगर दोनों रिपोर्ट जमा करी है तो दोनों रिपोर्ट की आपके कुछ तो मार्क मिलेंगे, मान के चलो कम से कम भी मिले तो 8 8 नंबर, 5 5 नंबर आपको मिल गए, 10 नंबर तो हो गए 25 में एटलीस्ट, ऐसे क्या वो आपने दी नहीं, अगर एक रिपोर्ट दी तो उसमें कितने हम पास, आप पास ही नहीं हो पाओगे, आई बात समझ में। तो अटेम्प्ट सारे अटेम्प्ट करो, ड्राइंग्स भी सारे बनाओ, ठीक है, अटेम्प्ट सारे करो सारे, उसमें कुछ छोड़ो मत कि ये चीज़ मतलब कैसे भी करो उसको करो, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो सर हमें बताओ कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ड्राइंग में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, ये क्या चीज़ नहीं आ रहा, तो और क्लास में रेगुलर आओ, तो इतना तुम मेंटेन करोगे तुम्हारा ये है कि एमएफए का जो फाइनल ईयर अपना अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत आ रही है कोई कैंपेन की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्लासेस में रेगुलर रहोगी तो कैंपेन बना दो। कई बच्चों ने क्या किया, कई अब पिछले 10 दिन 15 दिनों में जो क्लासेस जब से स्टार्ट हैं तो बहुत बच्चे हैं जो ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ऑनलाइन भी वो काम कर रहे हैं, तो उनका काम स्टेप स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ रहा है, आगे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यही क्लास में ही जो भी टाइम रहेगा टाइम अपना देखो, सुबह देख लिया करो फोन में कब आया मैसेज, उसी के हिसाब से एक स्केचबुक हो गई, पेंसिल हो गई, अरेंज करो और हम क्लास में ही काम करते हैं। और एक बार क्या होगा ना कि आपका देखो लोगो बन गया, ठीक है, लोगो की लाइन बन गई, हेडिंग सोचने, क्योंकि देखो सबसे मेन काम होता है सोचना कि भाई विजुलाइजेशन का मतलब हो रहा है कि वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट
डिजिटल करना है। तो देखो होपफुली अगर कॉलेज खुल जाता है तो बहुत बेस्ट है, कॉलेज खुल जाएगा तो इस बार तुम लोगों को कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जहाँ प्रॉब्लम आ रही सॉफ्टवेयर में तो मैं गाइड कर दूंगा कि वहाँ पर कैसे डिजाइनिंग करनी है। मैं तो चाह रहा था कि आप लोग एक आध किस चीज़ का तो जो सॉफ्टवेयर वाली बात है तो इलस्ट्रेटर अगर हो सके तो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो या किसी से करवा लो, तो उससे क्या रहेगा कि तुम्हें एक सॉफ्टवेयर सीखने को मिल जाएगा। बाकी ऑनलाइन तो यही है कि प्रैक्टिकल क्लास में आपको आना है और यहाँ पर ही अपना असाइनमेंट करना है।